लाभ कार्यक्रम के तहत हमारे संवाददाता बिट्टू कुमार ने भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के तरछा दामुचक पंचायत के मुखिया उमाशंकर रजक से खास बातचीत की। मुखिया ने बताया कि हमने पूरा पंचायत गली नाली योजना का काम पूरा गांव में किया है और जो भी थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री साथ निश्चय योजना से नहीं हो सका तो हमने मनरेगा से भी काम कराया और तो और हमारे पंचायत में पूरे गाँव में स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय भी बनवाए गए क्योंकि हमारी पंचायत ODF हो चुकी है और तो और हम अपने पंचायत की जनता का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया समाज सेवा के लिए और इस बार भी हमें जरूर मौका दिया जाएगा ऐसी हमें उम्मीद है। आज हम खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज गोराडीह प्रखंड के तरछा दामुचक के पंचायत के मुखिया उमाशंकर रजक जी से मिलने के लिए आए हैं। वो अपने जवानी बताएंगे कि इसने क्या क्या विकास किए हैं अपने पंचायत में, इससे जनता कितना खुश है और कितना नाराज है। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। स्वागत है। आपके पंचायत में क्या क्या कार्य अभी तक में आपने किया है? सर्वप्रथम आज मुहर्रम का मुस्लिम भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दो दिन के बाद हमारे यहाँ हिंदू धर्म का जो भाई बहन का आस्था का पर्व है रक्षाबंधन का, उसका मैं तमाम पंचायतवासी प्रखंडवासी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। और मेरे पंचायत में विकास के बारे में अपने मुंह से बखान करना उचित नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि 15 वर्षों से जिस जनता ने आज हमें इस मुखिया बनाया है इस पंचायत का, मैं उसका कैसे धन्यवाद ज्ञापन करूं ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन विकास पूरे प्रखंड में हमारे पंचायत में एक नंबर पे काम हुआ है। जो गली नली का काम था हमारे पंचायत में 90% हो चुका है। पेयजल का मैं PSD विभाग से 19 को PSD विभाग के द्वारा मैं यहाँ कार्य किया हूँ। सभी स्कूल का 4 दीवारी का निर्माण, वृक्षारोपण का निर्माण और जो गरीबों के लिए सरकार के द्वारा जो पशु सेट का निर्माण होता है उसको भी मैंने करवाया है और काम के मामले में किसी से पीछे नहीं हूँ। आज तरछा दामोचक पंचायत में 700-800 के लगभग व्यक्ति को आवास योजना का लाभ मिला और पूरे प्रखंड में आज हमारे यहाँ 918 व्यक्ति का पुनः फिर नाम आ गया है। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि सरकार की पहल जो है जनता के पीछे जो विकास कार्य का वो हमारे पंचायत में नजर आ रहा है। सर आप ये रही बात प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो उसमें बहुत जगह ऐसा है कि आवास मिलने के बाद 20,000 रुपया कहीं 15,000 रुपया लेके दिया जाता है, क्या आपके पंचायत की क्या स्थिति है? कोई मुखिया ऐसा नहीं होगा जो ग्राम पंचायत में स्पष्ट रूप से कहता हो वो किसी दलाल या किसी फरकट को आप पैसा दें। मैं ग्राम सभा जब होता है तो मैं खुद आम कहता हूँ कि किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको कोई परेशानी हो आप हमसे मिलें और ये शिकायत अन्य पंचायतों में आपको मिलता होगा। मैं 5 साल पूरा हो चुका मेरा मुखिया का, आज तक हमारे पंचायत से किसी का ये शिकायत नहीं मिला कि हमसे पैसा लिया गया है। सर आपके यहाँ पे मतलब कि शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय जो सरकार का जो 12,000 रुपया के माध्यम से हुआ वो 80% आदमी बनाया है और लेकिन वो जो सरकार प्रोत्साहन राशि दिया उसमें कुछ आदमी को अपना भी मिला के सहयोग करने के लिए बनाना था लेकिन वो पूर्ण रूपे नहीं हो पाया है। और मैं जो पंचायती राज विभाग से भी शौचालय का निर्माण होना है तो वो भी मैंने कम कम तो समयी शौचालय पंचायत में 7-8 हुआ है तो शौचालय की स्थिति ठीक है। लेकिन अभी जिसको जो आदत है बिहार जाने का वो तो कहने के बावजूद भी हमको लगता है कि वो घर में शौचालय रहते हुए भी वो बिहार की ओर जाते हैं। ये सोच की कमी है, जब तक सोच को नहीं बदलेंगे तो तब तक शौचालय थोड़े बनेगा। सर ये आप बने पहले आप जिला परिषद रह चुके थे और अब की बार मुखिया, क्या तब का ऐसा क्या दोनों में मतलब कि अगर आप काम किए तो दोनों जगह पे काम किए तो कैसा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहता है कि दोनों? देखिए जिला परिषद में जिला में बैठने का मुझे मौका मिला और जिला में अपने क्षेत्र की समस्या को बराबर में मुद्दा में उठाता था, पेपर के माध्यम से भी आप लोग देते होंगे। और अपने क्षेत्र में अपने प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में मैंने जिला में पूरे जिला परिषद में सबसे ज़्यादा काम किया था। और जब हमारा सीट ग्राम पंचायत का जब सुरक्षित हो गया और जिला परिषद का जब जनरल
महिला सीट हो गया, तो मुझे लगा कि चलिए मैंने क्षेत्र की सेवा किया है और जिला परिषद में जितना मैं विकास नहीं कर पाया, सोच के अनुसार आज मैं अपने मुखिया ग्राम पंचायत होने के नाते मैं अपने पंचायत में 95% मैंने काम कर चुका हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर, यहाँ पे आपके मतलब पंचायत में की बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ हमारे क्षेत्र में रामचंद्रपुर में 25 से 30 घरों में पानी घुसा है, जिसके लिए मैंने सीओ साहब को एक आवेदन दे चुका हूँ कि जो भी वहाँ पैकेट की व्यवस्था हो उसे यथाशीघ्र मुहैया करा जाए, और आश्वासन भी मिला है कि ठीक है आज हम व्यवस्था करवा देंगे। रही यहाँ फसल क्षति का, तो 250-300 हेक्टेयर के लगभग जो है यहाँ रामचंद्रपुर बमनगांव मिल्की और चम्मुक का जो कि बाढ़ से फसल धान का डूब गया था वह प्रभावित हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि जो क्षति हुआ है सरकार के द्वारा वह किसानों को मिले, इसके लिए मैं पहल कर रहा हूँ। आप मुखिया पहली बार बने हैं, क्या मतलब कि अगली बार की जनता क्या आपसे उम्मीद क्या कर और क्या उम्मीद कर रही है जनता? पैसा के अभाव के कारण कुछ काम आप नहीं कर सके, ऐसा कभी हुआ है? देखिए, हमें पैसा की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, साथ निश्चय में जितना पैसा मिला मैं पूरे पैसा को गली नाले में इन्वेस्ट किया हूँ, और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैंने पीएचडी विभाग से, कोई पंचायत कोई प्रखंड में ऐसा सौभाग्य नहीं मिला होगा जो कि मैंने पीएचडी विभाग से 19 मिनी वाटर अपने पंचायत में मैं करवाया हूँ, एक एक वार्ड में 3-3 मिनी वाटर हुआ है, तो ये मेरे लिए फायदे का हुआ। रही बात मनरेगा का, तो जो बराबर रोड नाला नहीं बनने योग्यता साथ नीचे से वो मैंने मनरेगा के योजना से मैंने कार्य को पूरा करवाया है और वो देखने लायक है। आप पत्रकार बंधु हैं, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आप अपने से भी निरीक्षण करें, तो हमको लगता है कि 90% काम हुआ है और जो बाकी है वो आने वाले समय में पूर्ण होगा, और यहाँ की जनता जो 15 सालों से जो विकास नाम से दूर था, आज उन्हें अनुभव हो रहा है कि बस्तियों के 5 साल में काम हुआ है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या? जनता में को मैं विशेष कोई मांग नहीं करना चाहता हूँ, जनता का मैं आभारी हूँ मैं, इसलिए कि उन्होंने जिस उद्देश्य से 15 सालों से इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि के नाते मुझे समर्थन दे रहा है, मैं उसका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और मैं दिल से उसे नमन करता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.